आद करो गुरुदेव को वंदन। वाहे गुरु मुख माहे उचारी, दोए कर जोर करो चरणा पर। जाऊँ सदा गुर को बलिहारी, कान सुने उपमा गुर की। गुर मूरत ध्यान हृदय में धारी। वाहे गुरु श्री गुरु नानक साहिब, सेवक सरण गही दरबारी। डंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समर्थ। डोलन ते राखहु प्रभु, नानक देव हर हथ। ज्ञान अंजन गुरदिया, अज्ञान अंधेर बनास। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। मुख उचरै शास्त्र खाट, पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरौ सुने, जो काल कृपा कराए। गुरु नानक पुरशोत्तम, परम परावर नाथ। युगल चरण मम वंदना, हर कर धर परमाथ। गुरु नानक सुख सिंध को, हाथ जोर प्रणाम। जिस करना ते बड़ भगी, पाव है घात विश्राम। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। आए विभूता जग जन पंथ, आई ना कीर्तन को समरथ। आए विभूता जग जन पंथ, आई ना कीर्तन को समरथ। आथ सैल नीच घर होए, आथ देख निवै जिस दोए। आथ होए ता मुक्त सियाना, भगत बिहूना जग पौराना। सत मह वरतै एको सोए, जिसनो कृपा करे तिस प्रगट होए। सत मह वरतै एको सोए, जिसनो कृपा करे तिस प्रगट होए। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी महान बख्शिश कृपालता दा सदका आप सारिया संगतां हफ्तावारी दीवान दी हाजरी पर हाजरी भरते हुए चल रही स्थान की मर्यादा के अनुसार गुरु महाराज के प्रकाश हुए पंज बाणियों का नितनेम श्री आसा जी की वार का संपूर्ण कीर्तन हर जस और चल रही जो लड़ीवार कथा है दखनी ओंकार सुरलेख हेठ जो बाणी है 921 अंग ते चल रही है। और जदों
महाराज दक्षिण दिशा विच गए और ओंकारेश्वर नाम का जो मंदिर है उत्थे दे जो विद्वान पंडित लोग हैं उन्हां दे नाल फिर महाराज जी विचार गोष्ठी हुई है क्योंकि महापुरखों का बोलना हो गया कदे प्रथाए। आम संसारी लोग तो बिना मतलब तो चखा मारते हैं पर जो महापुरुष पवित्र पुरुष है उन्हां दा बोलना किसी भाव विच हुंदा है खोजी बख्शन वास्ते भले वास्ते पर पार वास्ते जन्म मरण कटन वास्ते भुले फट के जीवां नूं नाम बाणी नाल जोड़न वास्ते हुंदा है। हुण जिस तरह का कोई विद्यार्थी है उहदियां पुस्तकां भी उसे प्रकार दियां कि उन्हां नूं उस्ताद भी उसे हिसाब किताब विच मिलदे हन और उसे अंग रंग विच उह सिख्या दिंदे हन। सतगुर सच्चे पातशाह संसार विच विचरे हन अनेक तरह के लोग उन्हां दी संगत विच आए विषयी लोग पंबर लोग जिज्ञासु लोग ज्ञानवान लोग भी आए और जिस ढंग नाल उन्हां दा भला हुंदा सी उसे ढंग नाल महाराज ने उन्हां नूं उपदेश बख्शे हन। इत्थे चर्चा चल रही है विद्वान पुरशां दे नाल सियाणे जिहड़े बुद्धिजीवी है पंडित बड़े बड़े सुपालर लोग हैं और उन्होंने जिस तरह के प्रश्न है उहदे मुताबक ही महाराज उत्तर जिहड़े उह बख्शिश करदे हैं। सिद्ध गोष्ठ बाणी भी है वो सिद्धां नाल ही गोष्ठी ज्ञान चर्चा हुई है सिद्धां दे प्रश्न अपने हिसाब किताब दे सी और मक्के मदीने की भी गोष्ठी हैगी है उत्थे मुसलमान पीरां दे जिहड़े प्रश्न है उन्हां नूं महाराज ने उत्तर बख्शे है तसली कराई है। अजित्य रंधावे की गोष्ठी है उहदे विच भी महाराज ने अजित्य नूं संबोधन करके समुचे जिज्ञासुआं नूं उपदेश बख्शिया है। इस वास्ते हुण जिवें सहज कृति है वो काशी के पंडितां नाल ही विचार होई है वो भी बड़ी महंगी बाणी है क्योंकि वो भी विद्वान लोग सगे उन्हां दे नाल विचारां होईआं। इस तरह राजे लोग उन्हां नाल भी विचारां मिल जांदियां हन हर पक्ष दे व्यक्ति उन्हां नूं मिलदे रहे हैं और जिस प्रकार का भी कोई सोच वाला परिश्री महाराज ने उन्हें जिस तरह उहदा भला हो सकता सी उसे तरीके नाल उपदेश बख्शिश किया है। हुण ये जिहड़ी पवित्र बाणी है इहदी चर्चा भी बड़े सियाणे पुरशां नाल हो रही है
और पढ़ नूं भावें बाणी कई वारी सरल लगती है पर वो जिहड़े प्रश्न उत्तर वो बाणी बड़ी महंगी हुंदी है क्योंकि सियाने पुरशां दे बचन विच बड़ा लहजा हुंदा बड़ी गंभीरता हुंदी है। सो सतगुर सच्चे पातशाह बड़ी तसली दे नाल उन्हां प्रेमी विद्वान पुरशां दे नाल विचार करते हैं क्योंकि आम जड़े लोग आ वो कई बार पतंडावाद झगड़े रगड़े वाली गल करते हैं पर महाराज बहुत सहज विच रहिंदे हन घबराहट विच नहीं आउंदे हन और उन्होंने खेमा सहनशीलता बहुत बड़े गुण हैं। सिद्ध कई भी बड़ी हमने घबराहट में गल्लां करदे सी पर फिर भी बहुत प्यार निम्रता विच रह के उन्होंने उत्तर बख्शिश करते होंगे सी। मरदाना जी कई भी घबरा जाते सी कि महाराज मैनू आग्या दो इन्हों मैं दो हाथ करा महाराज कहते नहीं भाई इतने ऐसी लड़ाई नहीं इतने शब्द की विचार है ये भी बड़े कमाई वाले लोग है रिधियां सिद्धियां वाले है योगी लोग है इन्हों के प्रश्न अपने हिसाब किताब दे इतने शब्द नाल ही है। भाई गुरदास जी ने भी कहा ना कि शब्द जीती सिद्ध मंडली की तो अपना अंध नराला शब्द की बरकत नाल सिद्ध मंडली नूं जितया सी ते अपना नराला जिहड़ा पंथ सी वह भी दस्या। इस करके ये शब्द की विचार की सारी व्याख्या है। हम इतने भी वो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं क्योंकि जो तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता फिर तो प्रश्न मुक जाते हैं जिन्ना चिर ज्ञान अवस्था है कोई शंका प्रश्न बना यदि बनावट बनी रहती है जो फिर पूर्ण पुरख मिल जाते हैं चाहता हरेक मेरा मन शांत हो गया शंकावती का मन शांत नहीं होता श्रद्धालु का मन शांत रहता है। जदों की शंका दूर हो जाती है उसके अंदर भी फिर श्रद्धा वाला भाव आ जाता है। दुध कच्चा जड़ा वो हवा उबलता जो सही कड़ जाए तो फिर उत्थे ही तौली चिटक जाता क्योंकि उसका जोड़ा कच्चापन से खत्म हो गया। इस तरह जरा कच्चा मन उसके अंदर कई तरह के अवाल खमीर फुटते हैं जदों फिर पूर्ण पुरख मिल जाण फिर तसली करा देंगे फिर कोई खुरना नहीं रहा। बारले देसां जाईदा कई बार वो गोरे लोग मिलते हैं पहला बड़े उन्होंने शंके होंगे तीन तीन चार चार घंटे प्रश्न उत्तर करते रहते हैं बाद कहते हूँ कोई शंका नहीं रही जो दोबारा मिलन आते हैं पूछीदा भी कोई है थोड़ा कोई प्रश्न वगैरह कहते नहीं हूँ है नहीं कोई भी जो शंका मिट जाता है मन शांत हो जाता है। इस कल्पां विकल्पां
ਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫੁਰਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਕਾ, ਬੁੱਧੀ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਕੇਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਏ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਨਾ ਵਿਰਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਊਚ ਨੀਚ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਚਿਤਰਾਈ, ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪਦਵੀ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਵਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹਨ, ਔਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਮਤਲਬੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਬਰਸੀ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਅਲ ਪਲਾਲੀਆਂ ਐਸਾ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਉਲਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਰਗੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਐਵੇਂ ਪੁੜਪੜੀ ਪਾਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੱਢਣ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ, ਦੂਏ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬਰਸੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਵਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਖਲ ਜਨੋ ਕੇ ਬਚਨ ਪਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਮਜਾਲ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਬ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਥ ਧੁਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲਾ ਜਾਏ। ਸਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਬਣਾ ਮਿਲੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਭਾਵ,
ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਏ ਤੋ ਕਛ ਲਾਗੇ ਦਾ। ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚੋ ਬਾਲਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਤ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਓ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮੱਲੋ ਮਲੀ ਗੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ, ਐਵੇਂ ਢੋਡਾ ਉਡਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਵਿਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈ ਕਾਰੋ। ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਭਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਤਾਸਾਂ ਜੂਆ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਮੁਜਰੇ, ਭੰਗੜੇ ਭੁੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਡਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਰਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਨੇਕੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸੱਤ ਸੱਤ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਬੜੀ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਨ, ਔਰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਓਮਕਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ,
फिर भी महाराज जी का धन्यवाद करिए। उन्होंने बहुत सारे बचन जोड़े शब्द हैं वो लिखने विच आ गए। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी का कोटान कोट धन्यवाद, जिन्होंने पहले गुरु साहबान की संतां भगतों की बाणी नूं संभालिया और गुरु ग्रंथ साहब का रूप तैयार करके इसका प्रकाश किया। दसम पातशाह जी ने आप बड़ी मेहर की। दमदमा साहब साबो की तलवंडी नौवें पातशाह की बाणी दर्ज करके भाई मनी सिंह को लुका के सरूप तैयार कराया और आप अपने पवित्र रसना तो गुरसिखां अर्थ सुनाए। ते गां वास्ते जिहड़ियां संपर्दावां सीआं वो चलाउण दा हुक्म बख्शिश कर गए। पहले युगां च भी बहुत महापुरख होए हन, उन्हां दे गां शिगिरदां ने कोई उन्हां दे बचन लिखे, आप नहीं कोई लिख छड के गए। धन धन गुरु नानक साहब की गद्दी दे महापुरखां ने अपने जीवन काल विच कृपा की। उस वेले भी ऐसा मिलगुबा होने का डर सी। गुरसिखां दी बेनती तो धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने आने वाले वर्तमान भविष्य नूं बचदियां होइआं इह गुरु ग्रंथ साहब का नियमबद्ध तरीके नाल सरूप तैयार किया। पिछों कईआं ने भन्न तोड़ करन की कोशिश भी की, पर जिहड़े वो संप्रदायी महापुरख सी उन्होंने इन्हां दीआं चालां नूं सफल नहीं होण दित्ता। यतन होए आ चलते रहिंदे आ और वह महाराज जिहड़ी कृपा कर गए ना कि विद्वानां दीआं संप्रदावां शुरू कर गए, उहदे करके वह जो करना चाहुंदे सी वह कर नहीं सके, उन्हां नूं सफलता नहीं मिली। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब दा जिहड़ा सरूप वो इस ढंग विच कायम है। कईआं ने भन्न तोड़ कीती भी सी और पोथियां दे रूप विच होर सनाम दीआं पोथियां ये राग माला वगैरह जां पट्टां दी बाणी और इस तरह होर भी बहुत सारे शब्द है और इसे प्रकार मंगल भी बदल दिते सी। ये बड़ी फिर जदोजहद होंदी रही तो मगर जिहड़े संप्रदायी महापुरख कायम सी उहदे कारण उन्हां दे जिहड़े मनसूबे सी सब फेल हो गए, सफल नहीं हुए। सो इस वास्ते यह गुरु महाराज जानते सी कि भविष्य विच शायद ये लोग ऐसा कुछ करनगे। इसे चीज़ नूं विचार के महाराज जिहड़ियां संप्रदावां सीआं विद्वानां दीआं आप आरंभ करके गए। जिहड़े टकसाली लोग हन सो इस वास्ते ये बड़ी विद्वानां नाल हो रही गोष्ठी महाराष्ट्र के इलाके विच सानू इत्थे बैठिया ही गुरु महाराज के चरणों च ये बाणी का विचार सरवण करन दा सुभाग मिल रहा। गुरु महाराज का कोटान कोट धन्यवाद करिए जो ये बख्शिश सदीवी करते हैं।
पर लाहा भागाले रेंदे आ, मनमुख लाहा नहीं लेंदे। क्यों उन्हां दे कर्म ऐसे नहीं जदों महाराज सरगुण सरूप धार के आए सी, भागाले ने लाहा लिया, कई बैर भावना ही करते रहे गुरु घर विच, बड़े कलेश खड़े करन दे यतन उन्होंने किए, और डेरियां झूठियां देंदे रहे, गिरफ्तारियां करवाते रहे, पर जिन्हां दे भाग चंगे सी उन्होंने लाहा लिया। अज भी इस तरह के लोग हैगे आ, वो अपने ढंग नाल कई कुछ करन दी कोशिश करदे आ। जिहड़े सत्संगी लोग हन वो लाहा लैंदे हन। आओ महाराज दा धन्नवाद करदे होए सुरती विरती मालक दे चरणां नाल जोड़िए, बाणी दी विचार शरवण करन तों पहलां सतनाम श्री वाहिगुरु आचारो रसा भी पवित्र होवे, ते अपने देतरां नूं महाराज दे दर्शन विच, कन्नां नूं बाणी दी विचार सुनण विच, रसना जाप विच, सारियां इंद्रियां मन विरती नूं एकागर करके ध्यान स्थित हो के भावना बनाओ कि महाराज सानू अपना पवित्र दर्शन भी बख्शिश करन, और साढ़े ते अपनी दिव्य दृष्टि मेहर करन कि पवित्र बाणी दे जो अर्थ ये साढ़े हृदय निवास करन, साढ़े जन्म जन्मांतरां दे पाप दूर होण, हिरदा शुद्ध पवित्र हो जाए, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨ ਵਿਰਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਈ ਵਜ ਵਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਏ ਵਿਗੁਸਤਾ ਜਗ ਜਨ ਪੰਥ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਫੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਬੂਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚੱਲਿਆ, ਤਨ ਦੇ ਸਹਿ ਖਰਾ ਰਾਵਣ ਕਰ ਅਵਗਣ ਪਛੋ ਤਾਪ। ਆਏ ਬਬੂਤਾ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਪਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਾਇਆ ਡੂਬੈ ਕੇਸਵਾ, ਜਿਤਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਣਦੇ ਤਾਰਕ ਬਿੰਦੇ ਬਾਂਬੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਬਾਪ ਬੇਠ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ ਜੀਵ ਪੈ ਕੇ
बबूता इन अपना आप गुआ लिया, सारा कुछ जीवन बगाड़ लिया। इस करके जमा दे पंथ रस्ते वल जमदूत फड़ के ले जा रहे हैं। आई ना मेटन को समरथ, ये जड़ी माया दी तृष्णा इहदे हिरदे विच आ गई है। जे तां सतसंगत करे फिर तां ठीक है, नहीं तां कोई भी ये तृष्णा नूं मेटन विच संसारी कोई जीव समरथ नहीं। ये तां गुरु महाराज कृपा करके तां बख्शिश हो जाती है, वो सबर संतोख बख्शिश कर दें। ते नहीं तो ऐसी लोभ की लहर आई हुई है, कोई संसारी जीवी नूं मेटन लई समर्थ नहीं। गुरु महाराज समर्थ है, वो जे कृपा कर दें संतोख बख्शिश कर दें, फिर अपने धर्म कर्म विच कायम रह सकदा। नहीं तां ये माया दी तृष्णा विच बड़ बड़े उपद्रव पाप करता है। और ग्रंथां च वी लिखिआ, अब तू हमको तज तृष्णे, तुम लाभ देखे मम खेद घने, तुम कीन मुझे जब हे तृष्णा मैनू त्याग दे। और तेरे नाल प्यार पा के बड़ा दुख पाया, लाभ घटिया नुकसान बहुत है। वो जिवें रेता चमकदा ना, हरन भज भज के विचैत पाणी है, प्राण त्याग देंदे मर जाते। बस ये मृग तृष्णा दे जल वांगू उतों माया ज़्यादा मिलेगी, उत्थे मिलेगी, इस कारोबार च लाभ होएगा। इस तरह जीवन व्यर्थ गुआ के चले जाता है। तुम लाभ विखे मम खेद घने, तेरे लाभ विच घना बहुता खेद कलेष दुख है। तुम कीन मुझे मन वास जवे, ऐ चंडालन तृष्णा जदों तू किसी के हिरदे च निवास करती है, तो फिर इंसान भटकना च पिया होया दिन रात अशांत रहिंदा, नींद आउणों भी हट जाती है। तन संग कुठी मन मोर तवे, फिर धन कमाउण की शंका मन च पैदा होंदी, उत्थों ज़्यादा मिलेगा, इत्थों ज़्यादा मिलेगा। मिलना हो गई है जो मस्तक ते लिखिया होया, जो भागां च उही मिलना ना। जिन्ना मर्जी टकरां मार लो उही मिलना है। इहनू अपने भाग उत्ते परमात्मा उत्ते तां यकीन नहीं, कि अपने यतन नाल बहुत कुछ करन दी कोशिश करदा, जदों सारे पासों फेल हो जाता है फिर सोचता, वो समा हथों निकल जाता, बहुत दूर जा चुकया होता, फिर पिछे मुड़ना भी बड़ा औखा हो जाता। इस करके महाराज सानू ये इशारा दे के समझाते हैं, जदों तृष्णा की लहर मन च आ गई, कोई समर्थ नहीं। हुण मां पे दे दुआले बच्चे गल पैंदे, उन्हां दी समर्था ने सानू बाहर भेजो, वह फिर करजा चुक चुक भेज देंदे आ, उत्थे जा के फिर माँ पे नूं भुल भुला जांदे आ, वो करजियां च दबे हुए दुख भोगदे आ। ते जिन्हां नूं पैसे फड़े हुंदे आ, वो मंगणे तां है ही, जां ब्याज पड़ ब्याज पई जांदा, ते मोड़न दी समर्था नहीं। वो सत्तां समुंदरां पार बैठे आ, ये फिर दुखी हुए अपने
जीवन की लीला खत्म कर लेंगे और वो तुम पढ़ते पढ़ाते ही रहने। इस वास्ते ऐसा है, नेड़े पिंड सी तो मुंडा कह लगा बापू इतने काम तो मिलता नहीं, हम वापस आ जा। वो बापू कहता वापस नहीं मर जाए। उन्हें फिर अपना घात कर लिया। उन्होंने दिन चो 7 लाख दे के भेजा सी। 7 लाख जरा लाश लिया लग गया। इस तरह का कई बार हो जाता। कोई इस वास्ते बुढ़े बुढ़िया भी कहते कोई नहीं तू एक बार निकल जा फिर सार सूर लवेंगे। इस तरह ही है, इतने नेड़े ही है। वो मुंडे कुड़ियां बाहर चल गए। वो माई बीमार हो गई, पहला चूल्हा टुट गया, ये चूल्हा पुआया, वो गल बनी बनाई नहीं, हुण लत बढ़ी गई। होश हवास कम नहीं करते। मुंडे कुड़िया बलैत के हंडोल झूठ रहे हैं। उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं। ये हाल है। सो इस वास्ते संसार ये माया पदार्थ के मोह विच जन्मदात्या नूं भी भुल जाता है। वो किस तरह पालना पोषणा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। और ये कलयुग का प्रभाव है, तुहाडे सामने ही है, मेरे नूं ज़्यादा तुसीं देख सुन रहे हो। कहिंदे जदों तृष्णा की लहर आ जाती है, वो कहिंदे असीं नहीं खा के मर जाना, सानूं बाहर भेजो। वो हुण करजे चुक चुक भेजदे आ, कि जां वो किले बेच के इत्थे इक दिन आ गए। वो पहला एक भेजिया, फिर हो गया हुण दूआ भेजा। वो दो किले बेचते, वो दूए का वीजा नहीं लाया, तो माँ हुण पागल होई फिरदी है, डिप्रैशन दीआं गोलियां खांदी फिरदी है। बाबा जी कृपा करो। मैं कहा जदों इधर तुरे सी उदों तां पुछिया नहीं सी। इस तरह का हाल हवाल है। एक दिन माइया तीन आईया। मैं क्या सुनाओ माता जी किवें दर्शन दिते। वो तिना ने हम भेजे सी, 10-10 रुपए रखे। मैं क्या माता जी एजेंटा नूं किन्नी पूजा कीती सी। एजेंटा नूं तां कहनियां भी 28-30 लाख दिता सी। उदों तो गुप्त दान दे देंगे भी पता भी ना लगे कि इस तरह का हाल है। सो इस वास्ते ये जदों तृष्णा की लहर आ जाती ना, ये अधीन होया बंदा उपर ने, इनू कहिंदे मिटण लई कोई समर्थ नहीं। वो माया पदार्थों की तृष्णा विच आ पिछे गए सी। वो विखंध कुंद जी टपदे आ, नहर जी लंघते, वो पुलिस का पिया छापा, वो छोटे छोटे न्याणे से उन्होंने छड़ के दौड़ गए। आप अमेरिका च पक्के हो जाइए, न्याणे आपे अमरीकन सामने फिरनगे। गज के बोलो आई ना मेटन को समर्थ। ये जो माया की तृष्णा की लहर आ गई ना, ये माँ पे की परवाह नहीं। जिहड़े बच्चे बच्चियां जमाए हुए है उन्हां दी कोई परवाह नहीं। कोई मिटण लई समर्थ है, पर जिहड़े संतोख वाले बंदे है वो कहिंदे जिथे रखे बैकुंठ तथाई। जिथे तुसीं रखो सानू उत्थे ही बैकुंठ है। इस वास्ते महाराज उन्हां पंडतां नूं मुखातब करके सानू सारियां नूं समुचे रूप विच उपदेश बख्शिश करदे हन। आथ सहज नीच घर होए। ये जिहड़ी आथ माया ना, ते जे तां नीचे दे घर च होवे
वो भी अपने आप में फिर पहाड़ वांग बहुत बड़ा समझदा ना, मैं बड़ा महान हाँ। आम पंजाबी की भी कहावत है ना, जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने, उन्होंने फिर गल्लां बहुत आउंदियां। जिन्हों रोटी का संसा पिया हो कतूरे ढिड च नचते हो फिर गल् नहीं ना आदियाँ, तो दूजे मशकरियाँ करेंगे। सोए सुस्ते इस करके कहते जिथे आत्म आया उथे मूर्ख भी अपने आप को बहुत सियाना समझते हैं। आत देख निवै जिस दोए, हाँ जिथे आत माया होवे गरीब अमीर वो सारे उन्हों झुकते हैं। तो एक बीबी सी वो तो ब्याही गई अपने किसी विद्वान एक फौजी ना, एक चंगे अमीरां दे ब्याही गई। वो कहन लगी भी बड़ी तंगी है, दोए कहनी है कहते तंगी काले कटनी है। वो फौजी बार्डर से ही बंदूक फड़ के ड्यूटी देंदा, मेरे घर मेरा बॉडी बन के बॉडीगार्ड बन के इतने पहरा दे जाए। वो दूआ कि हम स्कूल पढ़ाने जाता, वो मेरे न्याणिया में पढ़ा दिया करे, मैं ही तनखाह दे दिया करूँ। वो अमीर सी ना, जिथे फिर कहते माया होंगी है ना, इनू देख के बड़े छोटे अमीर गरीब सारे उन्हें सलामा करते हैं। कल जड़े झंडी वाली कार सी उन्होंने पिछे अगे पिछे फिरते सी ना, हूँ तो बेचारे सिसकियां लेंदे होने, कल अपने को होंगी सी जड़े लोग सलामा करते सी, हूँ वो टेढ़ बट के लंघ जाते। ये बाजा मार की गल हो गई, क्योंकि वह हूँ है नहीं ना, हूँ कुर्सी है नहीं, हूँ सलाम कौन करे कुर्सी नू, माया पदार्थों नू सलाम। आथ देख माया देख के दोनों तरह के लोग गरीब अमीर मूर्ख सियाने उन्हों निभदे चुकते हैं। आथ होए ता मुक्त सियाना, जे आथ माया होवे ना मूर्ख भी सियाना बन जाता। माया ना होवे तो बुद्धिजीवियां भी लोग टीचरां करते हैं, तू इन्ना पढ़ के की खटी कट ले, वो जेबां दे विच रुपये खड़काई जाणगे। इस करके वो मुगध जिहड़ा मूर्ख आ वो भी चौड़ा होके बड़ियां गल्लां करता है। भगत मिहुना जग बौराना, पर महाराज कहिंदे तां दुनियावी गुरख धंधा हैगा। भगती तो बिना जिहड़ा पुरश नाम बाणी है नहीं ना, प्रेमा भगती नहीं, वो संसार जिदे को माया है नहीं, वह भी जिदे को हैगी है, वो दोनों बरौना मैंने पागल हुए फिरते, बौरे हुए फिरते, झले हुए फिरते, वो तो पागल यूं हुए है कि हूँ कितों खाना पीना पहनना, कुड़ी का ब्याह किमें करना, कर्जा किमें लाना। तो जिन्हों को ज़्यादा हैगी है वो कहंदे आ कोठी आपां पा रहे हैं, आ गुआंढी का अपने च रल जाए ना अपना पूंजा सीधा हो जाऊगा। वो हर वेले सोचते हैं कि हूँ इनू गरीब नू गुआंढ तो उजाड़ना किवें, कि कोई ना कोई इहो जिहा ढंग रंग करनगे उन्हूं सूली ढंग देना। वो कनेडा च गया, उत्थे गुरुद्वारे के नेड़े एक परिवार रहिंदा सी, बड़े बेचारे चंगे सीगे। वो गुआढ़ी बंदे आ गए लुचे लफंगे, उन्हें इन्ना तमचड़ पाया, उन्हें गुरुद्वारे नेड़े घर बनाया सी कि चलो नेड़े सत्संग होंगी रहूगी,
वो गुआंड है जो माड़ा आ गया वो बेचारे उसे बेच के पासे चल गया। इन्हों फिर हुंदा ना कि हुण साढ़े च रल जाए जां साडे नाल रल जाण जो असीं पुठे काम करदे वो भी यही कर वो फिर दोनों ही रोंदे है क्योंकि जिस ग्रह बहुत तिस ग्रह चिंता जिस ग्रह थोड़ी सो फिर है परमानता वो फिर भजा फिरदा दोहों व्यवस्था ते जो मुक्ता सोई सहेला भाली जिदे को हैगी है वह भी दुखी है जिदे को है नहीं वह भी ठीक है ना। हाँ इस करके ऐसा ही दा माया का प्रभाव है वो फिर कुड़ियों के भी आलने छोड़न लग जाता ना कोई कभी इतिहास में साखी भी आती है मतलब के वो बड़े गरीब होंगे उन्होंने उत्थे पंछियों ने आलना पाया वो पंछियों के मन च आया कि असं भी इतने विश्राम करते हैं ये तरक्की कर दें उन्हीं चुंजा ना उन्होंने बोल चो दाने जड़े से ना वो चुक के गुरुद्वारे के बोल च सुटे होने वो हूँ जल्द आटा पीस के लंगर जाना उन्हों का पुन हो लग पाया वो फिर बदलन लग पाया काफ़ी चढ़ती कला हो गई माया का गफा खुला आ गया कहते हूँ कोठी बना ली कोठी बना ली वो बेचारे उत्थे रोशनदान चाह लेना जब पुन ढके रखा कर वो कहते गंद पाई जाते हैं कहते भी देखो असी इन्हें कि सोचा हूँ साढ़े चार तीलिया का भी इन्हों तकलीफ हो गई कोई गंद पाते उन्हीं बेचारे डे जा रखने आलने लिए उन्हें चक्के सुटे आना उन्हें कहा चलो फिर चंगा फेमें किमें से उन्हें हूँ गुरुद्वारे के दाने लिया कि इन्हों के बोल पाने शुरू करते उजले हुए तो मुड़ के जितों गए थे उत्थे फिर आ गए जी खुड चो निकले से उत्थे ही बढ़ गए जाके फिर यू भी हो जाती है पहले तो गुरुद्वारे बुढ़िया आके झाड़ा झाड़ू फेरन गियाँ कि बाबा मुंडा गया कृपा रखी सैट हो जा जिले वो सैट हो गया माया आने लग पी ये सारे गुआढ़िया अपसैट करना शुरू कर देंगे मुंडा सैट हो गया गुआढ़िया अपसैट करना शुरू करता ये हूँ इतने किमें डिगे हुए ये रोहित मचड़ पाना ग्राबा कबाबा नशे पत्ते भंगड़े पाने सिर और मिट्टी कोई चुक लेनी फिर फिर इस तरह हो जाता माया धारी का तन्ना बोला शब्द न सुने बहरोल कुचोला देख लो हुंदा कि नहीं हुंदा आ पिंडां शहरां च इहो जिहा बहुत कुछ हो रहा फिर तो गुआढ़ी जड़े ना अख दे तीले मूंह रटकते हैं पहला प्रेम प्यार भी हुंदा जेले फिर गफा खुला आ जाता ना ये नहीं बर्दाश्त होंगे कि साड़ी सिमिट्री खराब हो रही है इस तरह का आल हवाल है संसार का ते महाराज दस रहे हैं वो पंडित कहते महाराज हो क्यों रहा कहें को परमेश्वर की प्रेमा भगती नहीं इदे करके सारा संसार बौराना झला पागलों की न्याई हो रहा है ये समझते नहीं जे तो हम ज्ञान विचार वाली दृष्टि हो समझते ना सारे इको एक परमात्मा आत्मा करके ज्योति स्वरूप वरत रहा है जिसनो कृपा करे इस प्रगट होए पर बुद्धि ते माया दा पड़दा ऐसा पै जांदा ना वो समझे नहीं आती। देखो अठवें पातशाह गए पहला तो राम राय जी ने आप सदया
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਨ ਨੇ ਪਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਮਾਰਨ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੋਣਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੌਂਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਿਤਰਾਈ ਰਿਧੀ ਸਿਧੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ, ਮਾਨਤਾ ਕਰਾਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਸ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਬਦਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਪੂਜਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੋਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਲ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਕ ਆਉਂਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਅਖੀਰ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੇਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਡਾਕੀ ਹੈਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਸ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ, ਹੁਣ ਜਸ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਭਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮੀਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਤਲਾ ਦਾ ਖਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ, ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਲਈ। ਉੱਧਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੀ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਆਤਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਗਾ ਕੁਆਰਡ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ, ਉਹ ਮਸੰਦ ਹੁਣ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਣ। ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਮਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਡਿਆਈ ਜਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਐਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ ਨਾ, ਸੰਤੋਖ ਧਾਰੋਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਨਾ ਬਾਂਸ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਕੌਮਾਂ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਵਿਵੇਕ, ਗਿਆਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਨ,
ते बड़ी डूंगी है। पौड़ियां दियां पंगतियां भावें गिणती दियां वो फिर भी विचार करदियां काफ़ी समा लग जाता है, क्योंकि सफ़र बड़ा लम्मा हुंदा ना। आनंद साहब पढ़ना, अरदास सुनी, श्री मुख वाक, फिर रागी सिंह की बारी आ जानी है। फिर जो गुरु घर की मर्यादा चलती रही, इस करके फिर समय के मुताबिक ही सारा कार्ज होवे, वो सोहना लगता है। हाँ, कोई दिन वार हो फिर थोड़ा टाइम अगे पिछे भी हो जाता है। कोई नहीं है विचार, सच्चे पातशाह कृपा कर साडे हिरदे च ये विचार निवास होवे, सब नूं महाराज शांति बख्शे और आई संगत नूं जी आया सब का धन्यवाद, प्रबंधकों का भी, संगत सेवादारों का भी, खालसा पंथ विच प्यार पाक चढ़दी कला बख्शिश कर। अज बेबे नानकी जी की याद में नगर कीर्तन भी है, तो कल सवेरे पाठां दे भोग गया, उस तो बाद फिर दास उत्थे भी मुख वाक दी विचार आप जी नाल सांझी करनगे। बाकी रात भी, दिना भी, शाम नूं ये दीवान फिर चलते रहने, महाराज कृपा करन। धन धन बेबे नानकी जी का जो अवतार पुरविया, ये भी संगतां बेबे नानकी इस सत्संग घर जरा मंजर साहब बुलैद दियां संगतां इतों दियां हर साल की तरह रल मिल के मना रहे, महाराज कृपा करन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।